हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो भाई आज आए थे सेक्टर 14 टाटा कर्व ईवी के लिए। तो भाई यहाँ पे सेक्टर 14 में भाई ईवी का नया शोरूम, ईवी का भाई पूरा ही इन्होंने भाई अलग ही कर दिया है। तो यहाँ पे भाई टाटा ईवी में आए हुए हैं, तो यहाँ पे भाई गाड़ी देख लो, टाटा ईवी का फर्स्ट लुक कुछ ऐसा रहने वाला है भाई हमारा फ्रंट ईवी का। अभी भाई इसमें पेट्रोल भी आएगा वेरियंट, और अभी डीजल वेरियंट भी आएगा, वो भी आपको वीडियो दिखाएंगे। पर अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भाई यहाँ पे टाटा ईवी का, ईवी में भाई यहाँ पे फ्रंट से हम बात करें, भाई फ्रंट में भाई जो यहाँ पे ये DRL है भाई, पूरी कनेक्टिंग DRL, जैसे आपकी बैटरी चार्ज होगी ना, ये DRL आपको बता देगी भाई कितनी चार्ज है। वो हमको टाटा पंच में भी देखने को मिला था, यहाँ पे नेक्सॉन में भी मिला था, और हमें यहाँ पे टाटा कर्व में भी देखने को मिलता है। जो भाई इसमें नया हुआ है कि अभी यहाँ पे जो ग्रिल है, जो इसकी ग्रिल पोजीशन है, वो थोड़ी सी हमने चेंज कर दी है। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा हमें यहाँ पे चेंज मिलने को मिलता है, और यहाँ पे 360 व्यू कैमरे की पोजीशनिंग मिल जाती है। और एक मज़े की बात और बताता हूँ, जैसे आपने देखा था ये बूट खुल जाता था, देखो ये खुल जाता था, ठीक है। और अभी जैसे खुल गया, तो अभी ना मैं बताता हूँ इसका ना एक प्लस पॉइंट ये है कि बढ़िया बात है, जैसे कि आपने भूल गए हैं, अपने बंद करना भूल गए हैं, तो भले आप गाड़ी लॉक करेंगे ना, तो गाड़ी लॉक करने के बाद ये अपने आप ना अभी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं, मेरे पास की नहीं है, नहीं मैं दिखा देता आपको, बट ये मेरे को पता है कि ये फीचर इसमें बढ़िया नया वाला ऐड किया गया है। ये आपकी सेफ्टी फीचर ही कह सकते हैं कि अगर भूल गए तो, ये अगर आपको कोई ख़राब ना कर दे, इसको तोड़ के ना ले जाए टाटा का लोगो, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पे आप साइड में से गाड़ी देख सकते हैं भाई, साइड में से आपको यहाँ पे 360 व्यू कैमरे की पोजिशन यहाँ पे मिल जाती है। और जो नया किया भाई, यहाँ पे देख लो इसकी लाइट जल रही है, ये वाला मतलब अगर कि रात में आपकी गाड़ी खड़ी है और आप इसके फोटो लेना चाहते हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया आएगी, क्योंकि इसमें आपकी लाइट जलती हुई दिखेगी भाई, लाइट का मतलब कि वाइट लाइट, वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी व्हील की बात करते हैं भाई, गुड ईयर के व्हील मिलते हैं आपको इसमें, यहाँ पे आपको 18 इंची R18, और ये अलॉय व्हील नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, मतलब बढ़िया क्वालिटी। टाटा के आपको क्वालिटी के बारे में पता ही है भाई, मतलब कि अल्टीमेट ही रहती है, ठीक है। और स्टार रेटिंग की बात करते हैं, मेरे हिसाब से भाई, जिस हिसाब से मैंने गाड़ी नोटिस करी है, 5 स्टार तो भाई लेके आने वाली है ही, उसमें कोई तो नो डाउट है भाई, क्योंकि टाटा की गाड़ियाँ 5 स्टार ना लेके आए इस बार। और ना भाई, एक जो नेक्सॉन में भाई हमें ना थोड़ा सा लगता था, पहले पूरी गाड़ी देख लो यहाँ से, भाई नेक्सॉन में एक जो गलती लगती थी हमें, और टाटा पंच में, कि बैटरीज दिखती थी। तो हम यहाँ से देखते हैं कि इसका दिखता ही नहीं दिखता है, तो भाई यहाँ पर भी वो प्रॉब्लम तो सोल्व नहीं की गई है, क्योंकि देख लो भाई पूरा आम से नीचे का आपको दिख रहा है। थोड़ी सी बातें जो भाई इसको नेक्सॉन से ना अलग बनाती है, वो है नेक्सॉन में ना आपको भाई लेवल 2 का अडास नहीं मिलता था, जो यहाँ पे भाई लेवल 2 का अडास यहाँ पे मिल जाता है। और जो रेंज है, वो रेंज 585 हो गई है, रेंज भाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है पिछली वाली से, तो ये भाई बहुत ज़्यादा अलग है। और जो पैनोरामिक सनरूफ है, जो भाई नेक्सॉन में आपके लिए मिसिंग था, वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे मिल जाता है आपको पैनोरामिक सनरूफ, जो भाई अलग बनाता है इसको टाटा से। और भाई ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, तो 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको मिल जाता है, लूपी डिज़ाइन होने की वजह से। भाई आपको इसमें बूट खोल के दिखाता हूँ, बूट के यहाँ पे भाई टाटा, यहाँ पे कैमरा कर्व की बैजिंग मिल जाती है। इसकी कीज़ नहीं होने की वजह से ना भाई इसका बूट नहीं खुल रहा, जो इसका माइनस पॉइंट रहता है, मैंने पिछले भी दिखाया था आपको वीडियो में। बट जो कर्व है, 500 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस मिल जाता है। और अभी गाड़ी के अंदर बैठते हैं और आपको फिर दिखाते हैं गाड़ी के अंदर भाई क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे भाई आपको पहले रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, रिक्वेस्ट सेंसर के भाई अंदर बैठते हैं गाड़ी के। तो भाई गाड़ी के अंदर बैठते हैं, और गाड़ी के अंदर बैठ के थोड़ी सी पहले ना सीट में अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, पीछे कर लेता हूँ सीट को। तो भाई गाड़ी में बैठने के बाद भाई, ये स्टेयरिंग तो मेरे को हैरियर जैसा थोड़ा सा लग रहा है कॉपी। और जो इंटीरियर है भाई, इंटीरियर पूरा नेक्सॉन वाला कॉपी कर रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक सब चीज़ भाई नेक्सॉन वाली कॉपी कर रखी है, चाहे 12 इंची स्क्रीन हो, चाहे कुछ भी, पूरा ये टाटा पंच वाला भी कह सकते हैं हम थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, कीज़ ना होने की वजह से भाई कुछ भी ईवी ऑपरेट नहीं कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे ईवी का पूरा दिख रहा है आपको कीज़ की वजह से यहाँ पे। अभी मैं इसका ग्लव बॉक्स थोड़ा खोल के दिखाता हूँ आपको, जो मैनुअली हो सकती है चीज़ें भाई वो मैनुअली करके दिखा रहा हूँ भाई, कितना यूज ग्लव बॉक्स है, ठीक है। तो भाई ये वाली चीज़ें यहाँ पे इसके आपको मिल जाती हैं। और अभी कीज़ 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 और सब चीज़ के लिए भाई कीज़ चाहिए हमें, वो ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे पास कीज़ है नहीं अभी, ठीक है। तो भाई ये वाली जो चीज़ें थी, और पीछे बैठ के स्पेस और कंफर्ट दिखा देता हूँ भाई आपको मैं, कैसे कितना मिलता है पीछे सीट पर चलते हैं, अभी दिखाते हैं आपको भाई। यहाँ पे आपको ऐसे मिलता है यहाँ पे कुछ करने के लिए, मतलब गेट खोलने के लिए। तो भाई गाड़ी के अंदर बैठते हैं, फिर दिखाता हूँ पीछे का स्पेस। भाई पीछे का स्पेस भाई सेम वाला रहता है भाई टाटा का, जो कंफर्ट रहता है ना, बहुत ज़्यादा कंफर्ट अंकल, बहुत ज़्यादा कंफर्ट है। इतनी गाड़ी में बैठा हूँ, डीजल वाली में फायदा रहेगा ना सर? डीजल 10 साल के लिए ईवी है, ईवी अगर आपके पास चार्जिंग करने के लिए है जगह, बस 20 किलो तो डिफेंडर ले लो ना, तो ठीक है फिर अंकल, लेने तो कोई दिक्कत ना है गाड़ी में, डीजल वाली ले लो चाहे ईवी ले लो, कोई दिक्कत ना है, खर्चा उठने की बात है बस, मेंटेनेंस सब बता रहे हैं।
अंकल क्या कह रहे हो आप? 18-20 की एवरेज बता रहे हैं डीजल में, तो फिर लेकिन 15-16 की दे देगी, थोड़ा तो दे ही देगी आराम से। स्टाइलिश गाड़ी तो है ये, फिल्टर का चौक होगा, गम हो गया, फिल्टर पैनोरामिक सनरूफ भी है, चौक तो हो जाएंगे फिल्टर। कौन सा गांव है? मान ये अपना है हैथपुर है, मेरा कुछ रख कर आपने अंकल से बात करी थी डीजल वाली गाड़ी, भाई अंकल को ज्यादा पसंद है। तो भाई स्पेस के मामले में तो भाई देख लो भाई, ठीक है बढ़िया गाड़ी है स्पेस के मामले में। पीछे भाई मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है आगे वाली सीट, फिर भी भाई देख लो कितना स्पेस मिलता है यहाँ पे। अच्छा खासा आर्मरेस्ट मिल जाता है, कप होल्डर्स मिल जाते हैं आर्मरेस्ट में, व्हाइट लाइट मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आपको ईवी सेक्टर 14 में आना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।